feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh. Yeah, I feel like a zillionaire. Din raat teri ek baat, nahi jaache mujhe kya teri bhek chal tik ke dekh, maine kya nahi dekha. Ram ram gam dam aur devata, kabhi pehle hathiyar nahi dekha, kabhi bhidne se pehle nahi ghutne bhi dekha, sapno ka bhuka sansar bhi dekha nahi, prithvi mili to brahmaand samet. I feel like a zillionaire. Yeah, zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. Woo! Well done. That's what I call entry. Good job. Yeah, I feel like a zillionaire. Welcome to the Ice Age. Oh, you are the entrepreneurs. Yeah. Oh. Hip hop music के दीवाने तो हम बचपन से थे ही. हमने देखा कि इन rappers या singers ने कई सारे chains, rings, bracelets, यहाँ तक कि दांतों में भी jewellery पहनी हुई है. Wow. इस jewellery को iced out कहा जाता है. हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं. इस point पे हमने सोचा jewellery for the new age, जिन्हें Gen Z या millennials कहा जाता है. नमस्कार sharks, मेरा नाम राघव है. और मैं आदित्य हूँ. हम 19 years old जयपुर से हैं. Wow. और हम ही जिले के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं. Wow. हम ही चाहते हैं कि हम ज्वेलर्स की तरह जाने जाए. जिलियनर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे जिलियनर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए. आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. जिलेने की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है. आर आस्क इज 50 lakhs इन एक्सचेंज फॉर 3.3% इक्विटी. शार्क्स, जॉइन अस एंड बिकम द किंग ऑफ ब्लिंग और क्वींस. थैंक यू गाइस. आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पर. आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, वेलकम टू द आइस एज. व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा 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 स्टोन लगा है. हमारी ज्वेलरी आइस आउट है, ब्लिंगी है. अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में. जब हम 16 इयर्स के थे 2020 में, जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे डिफरेंट रैपर्स. मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं. एंड यू वर इन स्कूल एट दैट? या 11th ग्रेड. ओके. फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इन्हें बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स, बड़े बड़े. हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई. मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा, जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी. शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स चढ़ते हैं. तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थाट्स. तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में. हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा. हमने सारे थाट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए. तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं. तो सेलिब्रिटीज को तो बहुत ही मजा आएगा ये पहन. इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, वहाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट है. हमारे दिमाग में माइंड सेट था कि वी हैव टू बी हसलर, कुछ ना कुछ तो बनाना ही. द स्काई इज द लिमिट फॉर बोथ ऑफ अस. नाइस नाइस. 19 साल के हो ना? हाँ. Why jewelry? आपका कोई background रहा है jewelry में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो manufacturer, exporter है बड़े-बड़े major jewelry designer houses के लिए, ऐसे America, UK, Europe. और college नहीं गए? मैं college में पढ़ता हूँ. Parsons School of Design, New York. Parsons तो is brilliant, one of the top schools for design schools. How did you get in? मतलब admission वगैरह easily हो गया? Zillionaire की वजह से मुझे 40% scholarship है. Wow, well done. और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब. पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का. तो आदित्य, जो आपका जो फैमिली बिजनेस है, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते होंगे ना? हाँ, माय डैड इज इनटू जस्ट फाइन ज्वेलरी. मतलब बहुत वुमेन सेक्टर ज्वेलरी बनाते हैं वो. तो आज प्रोडक्शन वही करके देते हैं? यस, पूरा GCGEMS कॉर्पोरेशन है जो मेरे डैड की फर्म है. कंपनी अलग अलग है कि कंपनी एक ही है अभी? हाँ, जिलेनियर तो अलग रजिस्टर्ड है हम दोनों के नाम से. अच्छा. और सैंपल होंगे तो
मुझे वो जिसपे सिंह लिखा है वो चाहिए। This is a shark for shark. Oh, and headphones nice. Pendant. For all of us. Headphones pendant also. Oh, and beautiful, also. Bro. Oh, nice. I love it. दिखा दिखा दिखा. अनुपम इधर आ मैं इधर आ. ओए अनुपम मत बुलाइए मुझे आज रात मैंने तेरे पहले भी बताया एक लोगों ने मैंने बुलाया था गुस्सा आ जाता. I'm with you. All right. Nice. I love it. Hey. Yo, I'm a zillionaire. ये वाला शायद आपको अच्छा लगे। ये क्या है? हाँ, ये दे दे। ये nerd nerd emoji pendant है। वैसे मैं nerd नहीं हूँ पर ठीक है। नहीं nerd मतलब इसमें glasses है ना। I love it, man. You guys are doing a great job. You look so good. अरे राघव एक बार अपना दांत दिखाओ ना ओके Oh my God. Turn. दिख रहा है? Yeah, totally. These are real diamonds. These are cubic zirconia. Caesar. मुझे अमन का काफी कूल लग रहा है। मेरा बहुत कूल लग रहा है। यार मेरे को एक ऐसा चाहिए आईवेयर का कूल आईवेयर। For sure. ठीक है। I think maybe I've seen you guys on Instagram. हाँ। Yeah. हमारा Instagram verified भी है। हाँ। कितने followers हैं? 32,000. Not bad. 2 years. ये हमारा Instagram page है। And बहुत सारे celebrities भी हमारी jewellery पहनते हैं। Like रफ्तार, बीप राक, मंज म्यूजिक, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, रणवीर सिंह, जानवी, अनन्या पांडे। How did you get in touch with them? उनके स्टाइलिस्ट के थ्रू रीच आउट किया, वो हमको डीएम करते हैं। डीएम पे हम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग, हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे, कस्टम पीस बनाते हैं, फिर कलेक्शन में जो चाहिए होता है। Wow. That's crazy, man. But आपका जो आप डैड के बिजनेस से आप जो खरीद रहे हो उनको आप कैसे देते हो? पर पीस देते हैं हम, जो कॉस्ट प्राइस आती है सिल्वर के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग, बस वही उसी पे हमको बिल करके देते हैं। इसका क्या कॉस्ट होगा? 12,500. इसका हमारी कॉस्ट प्राइस होगी अराउंड 5,000 समथिंग। बट ऑफ कोर्स इसमें ओवरहेड्स भी लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मतलब वो ऐड करके ही कम्स अप विद अ सर्टेन प्राइस, फिर हमें मिलता है। लेकिन वो तो एक कन्वीनियंस हो गया अभी। हाँ, बिकॉज इज योर डैड। आगे जाके अगर आप बाहर से करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना। नहीं या तो वो फैक्टर किया है? अभी तो हमने विजन हमारा है फैक्ट्री लगाने का, बट अभी हम फुलफिल कर पा रहे हैं जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी हम मीटअप कर रहे हैं जो हम डैड से सोर्स कर रहे हैं ज्वेलरी। कितना प्रोड्यूस करते हो पर डे? अराउंड 50,000 पीसेस बन सकते हैं। अभी बनाते कितना? हमारा स्टॉक में अभी है 400 पीस। आई थिंक ही इज आस्किंग कि मंथली अभी कितने पीसेस बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग कितने बेचते हो, नंबर ऑफ पीसेस? 100 to 150 pieces, मतलब तो मिनिमम बनते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी कैपेसिटी कितनी? डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी? आई वुड से 1200 पीसेस तो है। कितने डेज वर्किंग होते हैं? 6 तो 24 दिन हो गए। हाँ। तो आपके मंथली अराउंड 40,000 है? 40,000। हाँ। ठीक है, और अभी आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी? 40,000 तो नहीं हुए, 30,000 हुए, चलिए ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? आप तो उसको ब्रीफ अप कर सकते हैं, मतलब मैं समझ नहीं रहा। आपकी टोटल फैक्ट्री की कैपेसिटी 30,000 है? टोटल की। हाँ। That is his father's factory. Zillionaire के लिए कितनी कैपेसिटी है ये पूछ रहे हैं? Zillionaire की 300 पीसेस। 300 पीसेस आप बना सकते हैं? हाँ। दिन के बना सकते। और अभी कितना बना रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं ऑर्डर्स के हिसाब से 50 पीसेस है या 30-40 पीसेस अ डे? अ डे। कितने लोग बना रहे हैं? हमारे लोग होंगे कारीगर। ये थोड़ा बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पापा ही संभाल रहे हैं सब। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ ही संभाल रहे हैं, पूरा हमारा ही। हम डिजाइनिंग हमारी पूरी, हम खुद स्केच करते हैं। ठीक है। डिजाइनर से वो कैड कैमरे बनवाते हैं। हाँ। फाइनल प्रोडक्ट हम हमारे हाथ में लेते हैं और हम पूरा मार्केट हम बेचते हैं। तो मुझे इयरली रेवेन्यू बताइए और पिछले महीने क्या रेवेन्यू हुआ वो बताइए। इस फाइनेंशियल ईयर 7 महीने हो गए, हमने 1 करोड़ की सेल की है। वाओ। लास्ट मंथ हमने 13 लाख की सेल की। एंड हाउ हैज दिस बीन ग्रोइंग, मतलब बढ़ कैसे रहा है ये? लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 72 लाख थी और लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 11 लाख थी। और इस साल कितना होगा रेवेन्यू? इस साल प्रोजेक्टेड 2 crore प्लस। Amazon पे बेचते हो किसी? नहीं, only D2C, only our website. Only website. और average आपका ticket size कितना है? 14,000. अरे, तो कितना marketing spend है इस 1 crore के revenue में? 25 lakhs. अभी तक 7 महीने में आपने 7 महीने में हमारा ROAS 4 का है। ROAS होता है return on ad spend. मतलब अगर आपने 100 रुपए की मार्केटिंग करी जिससे आपको एडिशनल 500 रुपए का रेवेन्यू आया, तो आपका ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 500 डिवाइड बाय 100, मतलब 5।
और अभी आपका प्रॉफिटेबल है, मार्जिन क्या है? इस 1 CR में 40 लाख है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉक्स, 25 लाख है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, 14 लाख सैलरीज है, 3 लाख का हमने शूट कराया, 3-4 लाख का, और ओवरहेड्स 2 लाख है। वाओ, 15 लाख प्रॉफिट बचे। एक बात की तो दांत देनी पड़ेगी यार, 19 साल की उम्र में आप लोग 15 लाख रुपए कमा रहे हो। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल, जो हमारे देश में आप जैसे नौजवान कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की बात। अच्छा राघव और आदित्य, मैंने डिसीजन बना दिया है। तो फर्स्टली मुझे आपके डिजाइन बहुत पसंद आए। देयर आर 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 14,000 है बहुत हाई है। सेकेंडली, ये प्राइसिंग के लिए जो आपका एक टारगेट ऑडियंस होगा अभी छोटा है। थर्डली, एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है वो ये एक्सटेंशन आराम से बना सकते हैं। ये एक इन्वेस्टर के लिए बिजनेस नहीं है जहां मैं खुद के लिए 100x रिटर्न्स देख सकूं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। हाउएवर, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि क्योंकि आपके फादर का ये बिजनेस है, प्लीज आप उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होइएगा। क्योंकि मैं जब आपके एज की थी तब पापा अपने यू नो कंपनी के बारे में बातचीत करते थे। वो लर्निंग ना आपको किसी बुक में मिलेगी, गुड पॉइंट, वो लर्निंग ना आपको किसी बिजनेस स्कूल में मिलेगी। श्योर, एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक परसेप्शन होता है कि जनरली बच्चे जो वेल्दी फैमिली से आते हैं नमिता को छोड़कर, वो भूख कम होती है। आदित्य, 1 second, आई'd लाइक टू इंटरप्ट। ऐसे स्टेरियोटाइप्स करना गलत है। नो नो, एब्सोल्युटली राइट, पर इसलिए मैंने कहा ये परसेप्शन है, लेकिन आपको अपना एक पॉइंट करना था। परसेप्शन नहीं, अनुपम, इट्स नॉट जस्ट टुडे, नॉट जस्ट आप, सब शार्क्स ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी exactly ये बताया है। आप दी इशू टू एड्रेस इट कि ये परसेप्शन है। हां, तो लेट अस एड्रेस इट। हां, वही मैं बोल रहा हूं, लेट अस एड्रेस इट। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ऐसे स्टीरियोटाइप्स हमें नहीं बनाने चाहिए कि अच्छा वेल्दी फैमिली से है। अभी इनके बिजनेस पे फोकस करते हैं। वही तो मुझे क्यों माफ यार, मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। तो आप जनरल क्वेश्चन पूछे, वेल्दी फैमिली ऐसा एक कैवियट मत डालिए। मेरा सवाल है, मेरे को जैसे पूछना मैं पूछूंगा। यू आर फीलिंग स्टीरियोटाइप। और कौन से मार्केट्स में एग्जिस्ट करोगे आप, इफ यू कैन फास्ट फॉरवर्ड टू 2026? लेट्स से आई सी 2 CR अ मंथ एंड हम इंडिया में, US में तो पक्का से बेचेंगे, बट दूसरे मार्केट्स जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, UK, इसमें भी चांस मिलता है तो बेचें। आपने कहा 3 साल में 24 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जैसे जैसे कल्चर बढ़ेगा तो सब बना देंगे ज्वेलरी ऐसा, इसमें व्हाई यू गाइस, आपका क्या स्ट्रेंथ है? राहुल, यू वांट टू टेक दिस? या, वी आर लिविंग व्हाट वी आर सेलिंग। जो हमें नॉलेज है हिप हॉप के बारे में, इस कल्चर के बारे में, यूजली किसी और को नहीं होएगी। तो हम मेक श्योर करते कि हम हमारे कस्टमर्स को साइकोलॉजिकली हिट करें। हमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, डिज्नी, मार्वल, फीफा, इंडियन क्रिकेट टीम, इनके साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जिन प्रोडक्ट्स की फेस वैल्यू होती है उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, बट ये हमसे MG भी बहुत मांगते हैं। आज जिलियनर एक बूटस्ट्रैप ब्रांड है, तो हम वो MG अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, मार्केट प्लेसेस, ग्लोबलाइजेशन। अमेरिका में हमने एक स्टोर पे स्टॉक भी किया है, आगे जाके अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग जगह स्टॉक करेंगे तो उससे भी ब्रांड अवेयरनेस, उससे भी सेल्स बढ़ती है। अभी हमारे प्राइसेस हाई हैं, बट अगर आगे जाके लगे कि प्राइस थोड़े लो करने चाहिए तो हम लो भी कर सकते हैं। आपकी ब्रांड वाइब्स तो सॉलिड है, आपको जेन ज़ी मिलेनियल कल्चर समझ आता है, आपकी प्रोडक्शन सॉर्टेड है, रिच वैल्यूएशन। सॉरी, डाइजेस्ट नहीं हो रही उनको वैल्यूएशन। तो आपका डिजाइन सॉलिड है, प्रोडक्शन सॉलिड। नहीं, आप बीच में बोल रहे हो, मुझे लगा मेरे से बात कर रहे हो। तो आपकी मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तो वही है, आई थिंक प्रॉब्लम हमें थोड़ी टेक्निकल साइड पर आ रही है। जैसे वेबसाइट भी हमारी कभी कभी क्रैश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज जो हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उससे ही किया है। आज हमने जिलियनेक का एक सॉलिड बेस सेटअप कर दिया है, बट हमें लगता है कि जब ब्रांड में इतना पोटेंशियल है तो शूट अप क्यों नहीं कर रहा है? तो आप 0 to 1 पहुंच गए हैं, अभी आपको 1 to 100 कैसे जाना है? आपको ये इसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए। या, गॉट इट।
आई एम इम्प्रेस्ड. आई थिंक यू गाइज विल बिल्ड समथिंग बिग फॉर श्योर. अमन बात कर सकते हैं? हाँ, आई विल गिव यू एन ऑफर. आओ विनीता, यू विल. चलिए तब तक मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. ओहो, तो आपको एक चाहिए कि एक शार्प ऐसा लग के रहे जिसमें बहुत इंसेंटिव हो टू मेक यू सक्सेसफुल. सो माय ऑफर इज 1 crore फॉर 10% सेम वैल्यूएशन. 1 crore फॉर 10%. आई थिंक यू नीड मोर मनी. आप इसे एक प्री सीड राउंड की तरह देखो. थैंक यू. आई मीन योर ऑफर इज रियली नाइस, बट इज इट ओके अगर हम दूसरे शार्क्स का भी ऑफर सुने? नहीं, आप जरूर सुनिए. ओके अमन, एक बार आइए. ये मतलब एकदम रेयर है. हां, एक तो अनुपम ऑफर दे वो रेयर, उसके ऊपर इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे ऑफर दे वो तो और भी रेयर. मेरा ऑफर हमेशा नहीं बना रहेगा, तो आप ये सोच लीजिए. अभी 3 पिचेस आएंगी आपको. हमें पिच की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी. नहीं राघव, आदित्य, आई नो दिस ऑडियंस वेरी वेल, आई नो दिस मार्केट वेरी वेल, दिस इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. ठीक है, ये तो मेरा वर्ड है. आपने जो बोला है 2 crore पर मंथ 3 साल में पहुंचेंगे, आई कैन हेल्प यू गेट देयर क्विकर. एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला जो एंगल है आपका, वो मैं पूरा कर दूंगा. तो अभी मैं, पीयूष और विनीता साथ आते हैं, ठीक है? एंड वी विल गिव यू एन ऑफर. इट विल नॉट बी रिच वैल्यूएशन, बट इट इज मोर अबाउट वैल्यू. 50 lakhs जो आपने मांगे थे फॉर 10%. भाई आपको 2-3% दे के कोई शाक लग के काम नहीं करता है. यू नीड स्किल इन द गेम. कैन वी टेक 2 minutes? टेक 2 minutes, बट डोंट मेक अ मिस्टेक आदित्य राघव. And think about the people you Twice need. Twice the valuation, don't forget. बढ़ाना ऑफर भाई, अगर नेगोशिएट करें तो. अच्छा, अगर वो डील क्लोज कर दे तो? तो करने दे. अरे वैल्यू होनी चाहिए ना. मेरे को चाहिए. I'll go with whatever Aman decides. I would say कि एक बार ऑफर करते हैं कि आप अगर अनुपम का ऑफर मैच कर सकते हैं. फिर अनुपम ये सब सुन के ऑफर कैंसिल. इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर. 5 इज अ गुड वैल्यूएशन फॉर अ 2 करोड़ बिजनेस. इज द राइट वैल्यूएशन. दिस गाय वैल्यूएशन अच्छी है. मोर एक्सपेंसिव फॉर अदर. काउंटर नहीं करना? नहीं. अनुपम, you're the king of bling. Thank you, bro. We have a deal. ये क्या हो गया? I'm sorry. I totally got it wrong. You drop, baby. I feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh? Zillionaire. Congratulations for getting me. खाली नहीं पेन और खाली नहीं पर्स, मेरे ख्वाब है रईस, माना पैसा मेरा दोष है. सबसे पहले आती धन पाने की सोचे. अभी देखो, खट्टे अंगूर शुरू होंगे.